भारत चीन सीमा पर पहुंचे विक्की कौशल 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के साथ वक्त बिताएंगे। विक्की कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। आर्मी अफसर के रूप में विक्की को खूब पसंद किया गया। आर्मी जवानों की जिंदगी को करीब से देखने के लिए विक्की कुछ वक्त भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना के साथ गुजारेंगे। एक्टर ने खुद इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी कि वो अगले कुछ दिनों तक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सीमा पर जवानों के साथ रहेंगे। 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के साथ विक्की ने सोशल साइट पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सीमा पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात हमारी भारतीय सेना के साथ कुछ दिन बिताने का मौका मिला। फिलहाल ये साफ नहीं है कि वो जवानों के साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक की तैयारी के लिए जवानों के साथ रहेंगे। उरी में विक्की के जोश के हुए थे दर्शन। उरी इस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। ये जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले पर आधारित थी, जिसमें भारतीय सेना ने उरी हमले के 10 दिन बाद पाक सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। विक्की फिल्म में विहान नाम के आर्मी अफसर के रोल में नजर आए थे। दो बायोपिक में काम कर रहे विक्की एक्टर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही 1971 वॉर हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक में नजर आएंगे। इसका निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं। इसके अलावा वो स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह की बायोपिक में भी नजर आने वाले हैं। इसका निर्देशन सुजीत सरकार कर रहे हैं। दोनों ही फिल्मों में देश के वीर के रूप में नजर आएंगे।